हे गाइस वेलकम बैक एंड हम लोग आ चुके एक और एपिसोड के साथ। तो यार पिछला एपिसोड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, एपिसोड बहुत अच्छा था और देखने में अगर तुम लोगों को समझ में आए तो इस एपिसोड को देख लेना। तो यार पिछला एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हम लोगों को रॉक्सी के पास जाना था और उसके पास रॉक्सी अभी बॉयज लॉकर रूम में है एंड देखना है हम लोगों को क्या कर रही है हम लोगों का बॉयज लॉकर रूम में, क्योंकि गर्ल्स लॉकर रूम पहले से टूटा हुआ था तो शायद वो लोग नहाने यहीं पर आई होगी। तो हम लोग देखेंगे यार क्या कर सकते हैं। वैसे एरिक को तुम लोग देख सकते हो अभी चड्डी पहन के खड़ा हुआ है। तो हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। सो अभी चलते हैं यार, लिखा है जस्ट ग्रैब अ कॉल आई विल डील विथ गर्ल्स। ओके तो रायु इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकता है एंड हम लोग चलते हैं। ओके एरिक भी बोलता है ऑल राइट थैंक्स डूड, एरिक भी उसको थैंक्स बोलता है नो प्रॉब्लम। तो ठीक है हम लोग अब लॉकर रूम में चलते हैं। तो यहाँ पे बेका और ये बैठी खड़ी हुई है लॉकर रूम के सामने, सो इनसे उसे बात करते हैं। लेकर क्या लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग, मिसी पूछ रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बेका बोल रहा है कि द शावर इज ऑक्यूपाइड, मतलब शावर में कोई है अभी, शावर बिजी है बस बोलते, इसका मतलब है शावर अभी बिजी है जैसे कि तुम सोच सकते हो। एंड आई जस्ट फिनिश जिम क्लास आई नीड टू टेक ए शावर, रायु बोलता है कि मुझे अभी मैंने जिम क्लास किया है तो मैं अभी शावर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हाँ इसको सही बात भी है। और नया लिखा वो यू आर यू डोंट, मतलब तुम नहीं कर सकते। मेसी बोलता है कि तुम नहीं कर सकते। रायु बोल अभी रायु यस आई डू आई हैव म्यूजिक क्लास, मतलब म्यूजिक सुन आई एम स्टिल ऑल स्वीट, मतलब मैं मुझे अब करना है क्योंकि मुझे म्यूजिक क्लास के लिए जाना है इसलिए मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ तो मुझे नहाना है। एंड आई कैन गो टू क्लास लाइक दिस, मैं ऐसे क्लास में नहीं जा सकता ऐसे मतलब जो पसीने के साथ। त्याले क्या वी सेड इट्स ऑक्यूपाइड, मतलब मैंने कहा कि ये अभी बिजी है, मतलब शावर रूम अभी बिजी है जैसे तुम बोल सकते हो। ऑक्यूपाइड ऐसा कुछ वर्ड होता है जो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो तुम। एंड याले क्या या व्हाट पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या हम लोग जो बात बोल रहे हैं। हाँ तो याले क्या आई एम सरप्राइज यू इवन नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑक्यूपाइड, हाँ हाँ तो दोनों इसका मजाक उड़ा रहे हैं। बस ऑक्यूपाइड मीनिंग ऐसे कुछ होता है, हे डोंट लाफ एट मी यू डम सॉल्ट, मतलब इस मेसी अपने बेका को ही बोल रही है। ओके यही बात है यार, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहते हैं। डोंट कॉल मी सॉल्ट, वो सॉल्ट मीनिंग तुम लोग गूगल करोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नहीं जैसे गूगल में लिखो सॉल्ट, तुम लोगों को इसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डोंट कॉल मी सॉल्ट यू बिम्बो, मतलब वो एक दूसरे को बोल रहा है। ओके एंड लिखा वेल डोंट कॉल मी बिम्बो यू ट्वेंट, मतलब एक दूसरे को अपने दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गाली वाली बोल रहा है। ओके एंड यहाँ पे लिखा है मैंने बोलना है प्लीज़, यहाँ पे लिखा है कम ऑन पीटी प्लीज़, पीटी भाई पीटी बोलने से बेका का इम्प्रेस बढ़ गया, वाई बेकिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क नॉट वो है, सही बात है यार बेक करने से कुछ नहीं होगा। या वी डोंट केयर अबाउट हाउ क्यूट यू आर, हाँ मिसी बोल रहा है बेका को शायद, या इसको व्हाट द हेल मिसी, या मतलब रायु को बोला मिसी तो इससे बेका को मतलब जलिस फील हुआ शायद। डिड यू जस्ट से थिंक इज क्यूट, बेका पूछ रहा है क्या तुमको लगता है कि तुमने अभी कहा कि बहुत क्यूट है रायु बहुत क्यूट है, तो नो आई डोंट आई डिड नॉट आई मीन या एंड वॉट एवर, एक दूसरे को वो लिसन आई रियली नीड टू ए शावर, सुनो मुझे मेरी बात सुनो मुझे रियली मुझे शावर की ज़रूरत है। ओ माय गॉड गो अवे, बेका बोलता है कि ओ माय गॉड गो अवे तुम यहाँ से चले जाओ नहीं जा सकता। एंड आई एम लेटिंग यू इन द डॉक, मतलब मैं तुम्हें अंदर डॉक में नहीं जाने दे सकता आई सकती। ओके एंड या ऑल राइट एंड आई गेस आई विल जस्ट गो शावर एट द होम देन। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए मना कर रही है, तो बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं और एक बार क्लिक करके देखते हैं, नहीं कर सकते ना। तो हम लोग एक बार देख लिए कि इसको हम लोग अलग से कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, तो इसको हम लोग नेवर माइंड करके देखेंगे। ओके एक और बार
तो हम लोगों को वहाँ नहीं जा सकते बेसिकली, रॉक्सी को नहाते हुए हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या। इट हार्ड टू ब्रीथ, ओके इज जम सो हॉट आउटसाइड, सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। एंड अभी क्या कर सकते हैं, आई एम सॉफ्ट, आई शुल टेक ए सावर बिफोर गोइंग टू माई नेक्स्ट क्लास। तो हमको सावर लेना है, हम लोग फिर से वापस जाएंगे, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, हम लोग घर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे फिर से वो लोग खड़ी है, एंड हम लोगों को कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। तो हम लोग थोड़ा इसको स्किप करेंगे क्योंकि एक ही चीज़ बार बार होने से, तो ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, तो हमें को कुछ आइडिया लगाना होगा। जोदू से आइडिया मांगते हैं, डिक्शनरी बाथरूम पान, तो इन दोनों में से जोदू के पास कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं है। तो जोदू के पास अगर ऑप्शन नहीं है तो हमें कुछ सोचना होगा, बिफोर गोइंग टू माई नेक्स्ट क्लास। तो हमें कुछ सोचना होगा, एंड क्या सोचे अभी, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना होगा, नहीं तो यार कैसे बात लेंगे। तो यहाँ पे तो ये बाथरूम खाली नहीं है, एंड यहाँ पे भी नहीं है, तो हम लोग दोनों में से कुछ तो करना होगा। आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ भाई, कुछ तो आइडिया लगाना होगा हमको। कुछ ना कुछ आइडिया हम लोगों को लगाना होगा, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी। तो यार बॉयस लॉकर रूम में अगर मुझे नहाना है तो मुझे क्या करना होगा पता है, मुझे समझ में आ गया जब लिखा हुआ था ना फेल टू कन्विस्ट, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो का ए वाला चीज़ नहीं यार, ये तो कुछ हिंट वगैरह देने वाला है ना, तो हम लोग यहाँ से करते हैं कि ये जो वॉइस वाला जो ऑप्शन है इसको हमें फुल करना होगा, मिनिमम आधा तो लेके जाना होगा, और ये दौड़ने वाला भी लेके जाना होगा, मतलब वो मारने वाला। तो हमें इन दोनों को थोड़ा बहुत बढ़ाना है, अब बढ़ाने के लिए हम लोग किसको जाना होगा, तो पहले वाला वॉइस मुझे पता है कहाँ करना है। तो अभी सीधा चलेंगे क्लास रूम के बाहर और इसको रात करेंगे, रात करने के लिए हम लोगों को थोड़ा वर्क करना होगा, तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करेंगे, ओके पिज़्ज़ा में जाएंगे, पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं। तो इस थोड़ा बहुत मैं इसको स्किप कर दूँगा, ओके तो तुम लोगों को कुछ ज़्यादा देखना नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत इसको स्किप कर देते हैं।
2 hours later. तो बेसिकली हम मैंने क्या करा, तुम लोगों ने देखा है, ओके मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था क्योंकि तुम लोगों के देखा ना था. तो यहाँ पे जो वॉइस मार्क है मैंने इसे फुल करना था, तो मैंने इसको फुल किया इतना देर तक. तो कुछ डेज मुझे लगा, जैसे कि 9 दिन लगा पक्का मुझे इसको फुल करने में. इन गेम बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगा है और कुछ नहीं. इन गेम में इसको फुल करने में मुझे 9 दिन लगा. एंड अभी संडे है तो हम लोग मॉर्निंग होगा मंडे, तो हम लोग जाएंगे स्कूल एंड रॉक्सी से मिलेंगे बाथरूम में, लॉकर रूम में. तो अभी शायद काम कर जाए क्योंकि यार बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसको करने के लिए. तो यार रॉक्सी को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चलो देखेंगे. अब मंडे हो चुका है, अब फाइनली हो जाएगा मेरा काम. तो चलो अब चलते हैं उस लॉकर रूम में. तो बेसिकली यहाँ से मेरा स्टार्ट होने वाला था, तो हम बिक्का से मिलते हैं. ओके सो व्हाट आर यू डूइंग एंड द शावर इज ऑक्यूपाइड. ओके आई जस्ट फिनिश द टेक अ शावर. ओके तो ये सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम लोगों को याद होगा. तो यहाँ पे देखते हैं अब काम हो जाए, पक्का काम हो जाए. ओके लेकिन यू नो यू लुक ग्रेट एंड दैट स्कर्ट में सी सही. अब फेल हुआ या पास हुआ पता नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था शायद पास ही हुआ. आई डू ओके यार थैंक यू सो मच. ओके नो केयर अबाउट इट एंड थैंक यू कम्प्लीटली. ओके तो ये लोग उल्टा सीधा बातें करने लगे. या हम नॉट आर लेजेंड. ये लोग बात करते रहे, फाइट कर रहे हैं. ओके तो अब मेरा काम हो चुका है, बेसिकली जो मुझे करना था वो हो चुका है. ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, देखो यार ये बैक से मार रहे हैं. तो मेसी बेक्का को बैक से मार रही है. नाउ टाइम फॉर माई शावर. तो सही बात है, वो लोग फाइट करते रहे, हम लोग शावर करने के लिए चल जाते. ओह वाओ तो रॉक्सी का फर्स्ट लुक हम लोगों को मिल चुका है एंड ये है रॉक्सी. वाओ सही बात है, तुम लोग तो नहीं देख पाओगे क्योंकि ब्लर है. अगर तुम लोगों को इसका अनसीन देखना है ना तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करो, वहाँ से मुझे पीएम करो, मैं तुमको इसका फुल वीडियो भेज दूँगा. समझ गए ना भाई ना, एक और बार बोलो ठीक है. तो इसको देख सकते थे व्हाट द फक आर यू डूइंग हियर. रॉक्सी पूछ रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो. तो यहाँ पर आयुब का तो कुछ आंसर ही नहीं हो. तो टेकिंग अ शावर, मैं भी तो शावर लेने के लिए आया हूँ. नो गेट आउट ऑफ हियर. रॉक्सी पूछ रहा है निकल जाओ यहाँ से. कम ऑन रॉक्सी आई रियली नीड अ शावर. मुझे भी शावर चाहिए. आई प्रॉमिस आई वॉन्ट लुक एट यू. ओ भाई क्या बंदा है, मतलब देख रहा है फिर भी बोल रहा है मैं नहीं देखूंगा. हाउ डिड यू गेट पास्ट वेजा एंड मिसी एंड लिखा है. ओ या दे आर हैविंग ए लिटिल क्या लिखा है लवर्स क्लियर आउट देयर. मतलब वो लोग थोड़ा बाहर जाके कुछ अलग कर रहे हैं. तो ओ आई एम सराउंडेड बाय मतलब इडियट्स बोल सकते हो. यहाँ पर लिखा है एक्चुअली यू आर किंडल लाइक द क्वीन ऑफ द मोरन्स. सही बात है इडियट ऑफ द क्वीन. सही बात बोला ऐसे, अब तो गुस्सा होगा ही. ठीक है फक यू टेक योर स्टूपिड शावर. सही बात है यार आई एम अ टॉयर, मैं निकल जा रहा हूँ. ओके ऐसा हो सही बात है. आई एम जस्ट जोकिंग विथ यू रॉक्सी. भाई तेरा जोक भारी पड़ जाएगा भाई. रायू तूने क्या बोल दिया, अब तो तुझे भारी पड़ेगा. ओ वेल एट लास्ट आई कैन शावर इन पीस नाउ. सही बात है. तो रॉक्सी श्योर डू शावर द नाइस बॉडी ऑन हर. सही में रॉक्सी का सही बॉडी है मेरे भाई, सही बात बोले. चलो आगे चल के देखते हैं. आई होप डेक्सटर डिडंट फाइंड आउट अबाउट दिस. नहीं तो इसको पेल देगा, एकदम सैंडविच बना देगा. अगर डेक्सटर को पता चल गया कि तू रॉक्सी का शावर टाइम घुस गया था तो इसको सैंडविच बना के छोड़ देगा. सही बात है. तो चलो मेरा शावर तो कंप्लीट हो चुका है एंड बेसिकली और क्या चीज़ बाकी है देखना है. तो शावर मेरा कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है एंड हम लोगों का स्टोरी लाइन फिर से स्टार्ट होता है यहाँ से. मिस विसर्टे व्हाट आर यू डूइंग टू डू नॉट देयर, कम टू सी माय ऑफिस आफ्टर स्कूल. यस ओके आई विल मीट यू देयर. तो मिस विसर्टे के स्टोरी लाइन में अभी मुझे फिर से एंट्री करना होगा. तो अभी देखेंगे मिस विसर्टन ने मुझे ऑफिस में बुलाया, वो भी आफ्टरनून में. पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी इस गेम में कुछ भी हो सकता है. मैम के साथ भी कुछ हो सकता है. ठीक है तो नेक्स्ट एपिसोड हम लोग पक्का देखेंगे एंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड सही से करेंगे. और बेसिकली हम लोगों को और थोड़ा नॉलेज करना होगा इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें और इस चीज़ को भी ब्रेन को. तो माइंड यहाँ पे एक
दो तीन तीन चीज़ों को हम लोग पूरा फुल कर देंगे, क्योंकि आगे एपिसोड में मुझे कुछ ये नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। तो इन तीनों चीज़ को मैं फुल करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में शायद, और मैम से मिलेंगे फिर शायद, कुछ अच्छा मतलब चीज़ें मिल जाए यार। समझ रहे हो ना भाई? तो ठीक है, जो समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझा वो जाकर पोकेमोन देखो, अच्छा रहेगा। वैसे के लिए मैं थोड़ा जो मार रहा हूँ तो बुरा मत मानना। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे। गुड बाय।